इंडिया में लोगों को लगता है 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, तो 1 करोड़ क्या सच में बहुत बड़ी बात है? 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो यूएस में अराउंड तुम 2-3 times ज्यादा सेव कर लोगे कंपेयर टू इंडिया। पहला खर्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे बहुत ज्यादा सैलरी में फटका पड़ता है, दैट इज रेंट। $7,500 आपके हाथ पे आएगा, हाथ पे मतलब ऐसे हाथ पे नहीं, बैंक पे आएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज होती है, वो है यूएस की सैलरीज। जब बात करते हैं इंडिया में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी 1 करोड़ की सैलरी लगी। मीडिया तो काफ़ी इम्फेसाइज करता है कि यू नो इसकी अलग है 1 करोड़ का पैकेज। उस पैकेज के पीछे बहुत सारे खर्चे होते हैं। एग्जैक्टली वो खर्चे कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, रेंट और भी बहुत सारे। इंडिया का 1 करोड़ और यूएस के 1 करोड़ में बहुत सारे अंतर होते हैं, तो यूएस के 1 करोड़ के रियलिटी क्या है आज मैं आपको बताऊंगी। एंड आई होपफुल कि जब आप ये सब देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। 1 करोड़ की रियलिटी चेक के लिए हमारे साथ है शशांक, जो ऑल द वे फ्रॉम सिएटल आए हैं। मेरे को पता लगा इनसे हिसाब नहीं हो रहा है सैलरीज का, तो मैं आया, मैंने कहा फटाफट टिकट कराओ भाई, यूके वालों से सब गड़बड़ हो रहा है, तो सब देखते हैं जाके क्या चल रहा है इधर, हिसाब किताब सैलरी वगैरह क्वेश्चन इनके। हाँ। तो मैंने कहा आंसर कर देते हैं आज, प्लीज। तो क्या है आपके क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा है, जो इंटरनेट पे भी नहीं मिल रहे हैं आपको। मुझे ये पूछना है आपसे, जैसे इंडिया में लोगों को लगता है 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, तो 1 करोड़ क्या सच में बहुत बड़ी बात है? 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, ये तो है ही। आपको कम कैसे लग रहा है 1 करोड़? 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, लेकिन क्या होता है, हाँ, यूएस में जैसे इंडिया बताते हैं 1 करोड़ की सैलरी लगी है, वो जितना हाइप क्रिएट कर देते हैं उतनी हाइप वाली बात नहीं होती है। बट हाँ, ये मैं कहूंगा अगर इंडिया में, ये मैंने उन लोगों से सुना है जो यहाँ 5-6 साल से काम कर रहे हैं, कि यूएस में जितना तुम सेव कर रहे हो ऑन द सेम इन द सेम पोजीशन, और तुम इंडिया में कुछ सेव कर रहे हो, तो यूएस में अराउंड तुम 2-3 times ज्यादा सेव कर लोगे कंपेयर टू इंडिया। बट अगर वो तुम खर्चा यूएस में करोगे तो फिर उसका फायदा नहीं आता। फॉर एग्जांपल इन केस यू वांट गो बैक टू इंडिया, देन समटाइम्स इट मेक्स सेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है यूएस में, उतना अगर आप यूएस में खर्चा करो, फॉर एग्जांपल आपको घर लेना है, फर्नीचर लेना है या फिर कुछ भी लेना है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और वही चीज़ वही पैसा अगर आप इंडिया में यूज़ करो। फर्नीचर के लिए 1 करोड़ नहीं चाहिए, घर के लिए हाँ तब भी समझ आता है, बाकी चीज़ों के लिए मतलब बेसिक खर्चे के लिए। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हम एक सैलरी का स्टार्टर उठाएंगे, फिर हम खर्चे डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उसका रियलिटी चेक क्या होता है। एक और चीज़ होती है ना कि यूएस में जो सैलरीज होती है डिपेंड्स ऑन आप कहाँ रह रहे हो, उस हिसाब से भी होती है। एग्जाम्पल एक्स कंपनी में टेक्सास में कम सैलरी होगी, और तो यूएस में ऐसा होता है कि अलग अलग लोकेशन के हिसाब से खर्चे अलग अलग होते हैं। तो सिएटल में ऐसे स्टेट टैक्स नहीं होता, कैलिफोर्निया में स्टेट टैक्स होता है, काफी ज्यादा होता है, न्यूयॉर्क में ज्यादा, न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिटी में, सिटी में बहुत ज्यादा, और शहर में महंगाई भी बहुत ज्यादा। इससे पूछा ऐसा होता है कि सब लोग जर्सी सिटी में रहते हैं और न्यूयॉर्क में काम करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क में रहूंगा, पता नहीं क्यों लोग जर्सी में रहते हैं, प्लीज ये कभी आएगा भी नहीं वहां, लाइफ स्टाइल जीना चाहूंगा न्यूयॉर्क का। बट एनीवेज, हाँ, तो उसके हिसाब से खर्चों के हिसाब से रेंट वगैरह के हिसाब से शायद कंपनी थोड़ा सा ज्यादा देती है और जगह, और कुछ जगह कम देती हैं, कुछ जगह ज़्यादा देती हैं। पहला खर्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे बहुत ज़्यादा सैलरी में फटका पड़ता है, दैट इज़ रेंट। तो रेंट किस हिसाब से होता है यूएस में, अगर आप मतलब बिगिन विद कितना खर्चा होता है रेंट का? रेंट अगर मैं ऐसे बताऊं तो जनरली ऐसा होगा कि जहां पे कंपनीज हैं जिस एरिया में, उस एरिया में हमेशा ज़्यादा रेंट होगा। जैसे अमेजोन में अगर आप डाउनटाउन में रहोगे, मतलब अमेजोन में रहोगे, माइक्रोसॉफ्ट में रहोगे, गूगल में जहाँ पे कंपनीज होंगी, जैसे माउंटेन व्यू गूगल वहाँ पे है, तो उस एरिया में थोड़ा ज्यादा रेंट होगा। SF में बहुत सारी कंपनीज है, SF में खैर लाइफस्टाइल वगैरह भी काफी अपडेटेड है, हाँ अपडेटेड है, तो मतलब आपके लिए नहीं है वो, तो वहाँ पे रेंट काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर आप सबर्ब्स में रहोगे, जैसे सिएटल है, सिएटल में थोड़ा पीछे रह लो, हाँ पीछे सबर्ब्स में रह लो, तो वहाँ पे रेंट कम पड़ेगा। बट एक अगर कोई नंबर देना चाहो आप, कि ऐसा भी हो सकता है ना अगर आप साथ में रह रहे हो, आप अभी आप अपने फ्रेंड के साथ रह रहे हो, राइट, तो फिर रेंट थोड़ा सस्ता हो जाता है, अगर आप अकेले रहते हो तो महंगा पड़ जाता है। बट आई गेस मेरे को लगता है जर्सी में 2,500 तो चाहिए आपको 1 BHK का, तो सिएटल में लगभग कितना? नहीं, सिएटल में तो अगर ढंग से ढूंढोगे तो ठीक ठाक लोकेशन में 2,500 में आराम से एक 2 BHK मिल जाएगा, तो 1 BHK की जरूरत नहीं है। तो 1 BHK कितने मिलेगा लगभग? 1 BHK आपको मैं लगवा दूंगा, ऐसा लगा दो कि मैं आपको दिलवा दूंगा 1800 में 1 BHK ना, गुड लोकेशन, हाँ ठीक ठाक लोकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और टैक्स कितना जाता है? टैक्स डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ऐसा होता है कि फेडरल शायद मेरे ख्याल से 24% है अगर तुम्हारी 100K से ज़्यादा सैलरी हो, और अगर तुम्हारा H1B नहीं लगा हुआ तो तुम्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, जो 7% होता है, और क्या होता है, और स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स होता है, बाकी जैसे सिएटल में नहीं होता, ऑस्टिन में नहीं होता, न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ज्यादा टैक्स, न्यूयॉर्क में भी होगा, न्यूयॉर्क में भी है, न्यूयॉर्क में है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ज्यादा, सिटी में भी है, न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादा टैक्स है, फिर हाँ ऐसी कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा टैक्स है, और
हाँ, इसलिए लोग आजकल न्यूयॉर्क में रहते नहीं है, मतलब भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, 5-10% होता है स्टेट टैक्स। ओके, तो टू समराइज एग्जैक्टली अभी तक हमने जो डिस्कस किया, सबसे बड़ा खर्चा होता है टैक्स, और उससे बड़ा या उसके जितना खर्चा होता है रेंट। तो मतलब अगर टोटल कितना होता होगा ये दोनों मिला के? लगभग दोनों मिला के ऐसा लगा लो कि अगर किसी की अप्रोक्सीमेट मान के चलो 120-130 की सैलरी है, तो अगर उसका टैक्स पड़ रहा है विदाउट H1B तो उसका कुछ 2000 के आसपास पड़ेगा महीना टैक्स, और अगर H1B लग गया बाद में तो कुछ $500 का और उसका खर्चा लग जाएगा, ढाई के आसपास लगभग। हाँ, अराउंड ढाई के आसपास। फिर उसके बाद लगा लो दो के आसपास, तो अराउंड 7-7.5 उसका इन हैंड आने लग जाएगा। फिर उसके बाद उसका रेंट का खर्चा, और रेंट का खर्चा जैसे बताया तो 1500 एवरेज लेके चलो सियाटल जैसी जगह में, कैलिफोर्निया SF में रह रहे हो तो अराउंड 2000 के आसपास, 2 से ऊपर ही लेके चलो ऑन एन एवरेज SF में। बट ऐसे कैलिफोर्निया में घर बहुत छोटे होते हैं क्या? कैलिफोर्निया में हाँ घर छोटे होते हैं, मतलब वही सेम रेंट में एकदम डब्बा मिलेगा। हाँ, वही सेम रेंट में छोटा घर मिलेगा, या फिर आप सेम घर ले सकते हो 2BHK, आपको $400 में मिल जाएगा, लेकिन 8 बंदों के साथ शेयर करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स बहुत सारे करते हैं, आई थिंक जब नए होते हैं तो सब लोग ऐसे वो काफी लोग करते हैं, तो जुगाड़ होता है, तुम जुगाड़ के तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और यूएस में बताइए, पैसा बचाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आर द बेसिक खर्चा, यू कैन एक्चुअली कट डाउन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, और फिर जो एक्सट्रीम लिमिट है उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक है। और ठीक है, हमने टैक्स दे दिया, हमने घर में रेंट दे दिया, एमिनिटीज़ के कौन से खर्चे होते हैं? एमिनिटीज़ मतलब इंटरनेट। हाँ, वही नॉर्मल खर्चे, इंटरनेट हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया और वो पानी का बिल कहीं जगह सोसाइटी में आ जाता है, सोसाइटी के साथ ही घुसेड़ के देते हैं वो, और बिजली का बिल हो गया अगर, हाँ जैसे मैं अभी जुगाड़ की बात कर रहा था, तो तुम 2-2 महीने तक बिजली का बिल पे मत करो, जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मैं भूल गया बिजली का बिल देना, और इंटरनेट मेरा बहुत बार कट चुका है, सच में कट चुका है तो क्या? फिर दोबारा से करो उन्हें और वो दोबारा डाल देते हैं, तो इवेंचुअली तो पे करना पड़ता है। हाँ, इवेंचुअली पे करना पड़ता है। हाँ, कोई जुगाड़ नहीं होता इसमें से। हाँ, हाँ, बट हाँ ये कर सकते हो, घर छोड़ के भागना है तो उसके बाद इंटरनेट पर पे करो, लेकिन इतना खर्चा आता नहीं इंटरनेट का, $50-60 खर्चा आता है पर मंथ। बिजली का खर्चा जहाँ मैं सियाटल में रहता हूँ मेरा बहुत कम आता है, मेरा अगर हीटर वीटर ना चले तो $100 के हिसाब से आता है, वो सर्दी गर्मी के हिसाब से हो जाता है, तो उसमें भी अगर तुम्हें जुगाड़ करना है तो सर्दी हो गई है तो तुम डबल रजाई करके सो जाओ। तो एक और खर्चा होता है, उसका नाम होता है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और आपका कुछ हो गया लगी क्या इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि मतलब इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इंश्योरेंस में कितना खर्चा होता है? इंश्योरेंस में डिपेंड करता है आप कौन सा वाला प्लान ले रहे हो, बेसिक प्लान ले लो तो उसमें 2 बार दांत साफ करके दे देंगे आपको महीने के, और वो डेंटल प्लान होता है, आँख का भी टेस्ट होता है। हाँ, तभी तो मेरी आँख बार बार ऐसे फड़क रही है, मैं टेस्ट नहीं कराया बहुत टाइम से आँखों का। और एक वो भी होता है फुल बॉडी चेकअप, जो मैं हमेशा कराती हूँ। फुल बॉडी चेकअप होता है, एक फ्री है था मेरे वाले में। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल बेसिक वाले लेता हूँ, तो उसमें एक चश्मा ही फ्री मिल जाता है मेरे को, और चश्मे में ये होता है कि तुम नॉर्मल चश्मा ले लो या फिर ऐसा सलमान खान टाइप ले लो, कुछ भी चलेगा तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये वाले बेसिक खर्चे होते हैं। तो कितना जाता है इंश्योरेंस में लगभग? कितना जाता होगा इंश्योरेंस में? कुछ 40-50-100-150 जाता होगा मेरे ख्याल महीना इंश्योरेंस में। तुम्हारा एक टाइम पे जाके कंपनी का कोपे खत्म हो जाता है, कंपनी एक अमाउंट तक ही पे करती है मेरे ख्याल से, उसके बाद तुम्हें पैसा देना पड़ जाता है, तो कई लोगों के साथ होता है ऐसा, अगर ऐसा हो तो इतना लाइव खराब हो गया मेरा, इतना लाइव खराब हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि एक्चुअली आपको पता है US में मुझे किसी से पता चला, लाइक इफ यू आर डिलीवरिंग अ बेबी तो जो बच्चे का डिलीवरी नहीं, तो मैं कैसे डिलीवर करूंगा? I'm just info है ये। US में मैं भी कर सकता हूँ बच्चा डिलीवर। तो बच्चे का डिलीवरी का अराउंड $50,000 लगता है, जो कि होता है अराउंड 35-40 lakhs rupees, इतना खर्चा हो जाता है। बट अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो वही खर्चा आपका $4,000-5,000 में लग जाता है। या जस्ट लेटिंग यू नो, एक और खर्चा होता है वो है गाड़ी का। ऑफकोर्स US में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मतलब अगर आप जैसे हम लोग पहले कनेक्टिकट में रहते थे तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी, जर्सी में जाके आए कि गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए वो जो के, और सियाटल में गाड़ी चाहिए। मैं इनसे मिला ही ऐसे था, कनेक्टिकट में सड़कों पे खड़े होकर लिफ्ट मांगते रहते थे, मैंने कहा ओके तब से भाई बनाने लगे। हम लेने भी जाते थे छोड़ने भी जाते थे। हाँ बताओ। उसके लिए अगर गाड़ी का खर्चा मैं बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेट मेरे को जहाँ तक पता है $200-250 पर मंथ देना पड़ता है। ये ईएमआई क्या क्या है? ईएमआई है, और इसमें गाड़ी मिलेगी स्टेयरिंग और व्हील के साथ। इंश्योरेंस? इंश्योरेंस अलग से देना पड़ेगा। वो कितना? इंश्योरेंस
डिपेंड करता है। मैंने कई लोगों को 200-250 भी देते देखा है और कई लोग 100 भी देते हैं, तो शायद वो गाड़ी पे डिपेंड करता है और कितना स्ट्रांग आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस पे भी, क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है, क्रेडिट कार्ड लेने से बनती है। उस क्रेडिट कार्ड का बिल तुम्हें टाइम पे पे करना होता है, जो मेरे को भी अब देखना पड़ेगा मैंने कराया कि नहीं। और एक और चीज होती है पार्किंग का, सिएटल में नहीं होता पार्किंग का खर्चा? सिएटल में पार्किंग खर्चा होता है, होता है लगभग। तो मतलब सिर्फ कार ही नहीं लेना, गाड़ी के ऊपर पेट्रोल होता है, पेट्रोल के ऊपर इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के ऊपर पार्किंग होती है, तो वो ये सारी खर्चे मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूं गाड़ी पार्किंग का इन जनरल ऐसे होता है कि जितना तुम डाउनटाउन में जहाँ ऑफिसेज हैं उनके जितने पास हो तुम उतना तुम्हारा पार्किंग खर्चा ज्यादा होगा, जितना तुम दूर जाते चले जाओगे तो उतना पार्किंग खर्चा कम होगा। तो आप ये कर सकते हो, आप डाउनटाउन के बाद घर ले लो, आप गाड़ी दूर खड़ी करके वहाँ से बस पकड़ के आओ और फिर ऑफिस चले जाओ। बट कितना खर्चा होता होगा वैसे किसका, गाड़ी का टोटल इन टोटल? गाड़ी का $250, गाड़ी $250, 200 लगभग इंश्योरेंस, पार्किंग $100-150 इंश्योरेंस, तो कितने हो गए 650 हो गए, 500 से 600 मान लो, 500 से 600 मान लो, 500 से 600 लगा लो। एक और खर्चा होता है वो है ग्रोसरी का, मैं पहले बता रहा हूँ, प्लीज मेरे को बोलना है, मिस आईलाइन खा जाता है। एक और खर्चा होता है ग्रोसरी का खर्चा, और मतलब उसके बिना आप बच नहीं सकते, और उसके साथ होता है ईटिंग आउट का खर्चा, मतलब जब आप बाहर खाने जाते हो। तो एग्जैक्टली यूएस में अगर आप रहते हो तो एक साल में कितना का खा लेते हो, मतलब एक महीने में कितने का खाते हो? डिपेंड करता है, मतलब कैसे बताऊँ ग्रोसरी खर्चा कैसे होगा कि कितना खाते हो उस पर डिपेंड करेगा। $500 का हिसाब लगा लो, अगर तुम सारा खुद ही से खा रहे हो तो, अगर तुम बिल्कुल बेशरम हो तो तुम बहुत लोगों से दोस्ती करोगे और उनसे कहोगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, किसी दिन आते हैं आप क्या खाना खाने, और हर शाम पहुंच जाओगे वहीं खाना खाने। मैं एक लड़के को जानता हूं ऐसे जो ऐसा करता है कि हर दूसरे दिन किसी शेंगी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही बड़े अलग से हैं, तो शेंगी ऐसे बट एक्चुअली उस पर ऐसे लोगों के लिए अलग खर्चा शीट बनानी पड़ेगी हमें। हां तो ऐसे लोगों के लिए जब भी वो आते हैं तो मैं उनको फिर बाहर ले जाता हूं और उनसे कहता हूं मैं पैसे लेके नहीं आया आप पे करो। पर ऑल आई गेस अगर आप दो बंदे रहते हो जैसे मैं और प्रशांत रहते थे, तो $500 में आपका बाहर खाना ग्रॉसरी मेजॉरिटी, अगर आपको किसी से खाना मंगवाना है तो वो सब भी हो जाता था। $500 बहुत ज़्यादा होता है, दो बंदों का आराम से हो जाता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा ईटिंग आउट करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा घर पे खाना बनाते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तो जो नंबर्स है वो वैरी करते हैं, बट $500 में आएगा सब भी को। तो एक खर्चा और था जो ये बताना भूल गई, वो है बाल कटाने का। वो मुझे कैसे आता है, मैंने कैमरामैन को देखा आपने, जिसने वो खर्चा बिल्कुल हटवाई दिया है अपना, पूरा अपना घर वो कह रहा हूं। तो मैं लड़कियों को बताती हूं, तो $60 में मैं अपने बाल कटाती थी सबसे चीपेस्ट वाले में, अगर मैं अच्छे बाल के पास जाती थी तो कम से कम 75 लेता था वो विद टैक्स। आप कितना कराते हो? हम ऐसा ही ग्रेट क्लिप्स करके दुकान है यहाँ पे, कोई भी आए तो $10 में भी होता है कहीं जगह, $25 में भी होता है कहीं जगह, और घर बार अगर तुम बाल कटवाओगे तो तुम्हें वो खुश करने के लिए ऐसे $2 का डिस्काउंट कर दे देंगे। मुझे लगा चंपी देता है, मुझे लगा $2 में कर देता है, चंपी देता है $2 चंपी नहीं देता। और टिप देनी पड़ती है उन्हें अलग से, और आई गेस लड़कों के खर्चे सामने बड़े कम हो जाते हैं लड़कियों का, मतलब जब यूएस में आई गेस मतलब मैं कुछ नहीं कराती थी, बट अदरवाइज वैक्सिंग फेशियल सब का बहुत खर्चा होता था, तो मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लड़कों के भी होते हैं वैक्सिंग फेशियल के खर्चे। सच्ची में? हां आईब्रोज के होते हैं लड़कों के, ग्रूमिंग के होते हैं ना, दाढ़ी दाढ़ी मुझके, मतलब हम बच गए। तो अगर आप बहुत ग्रूम्ड हो $100 मंगा लो आप, मतलब मान लो अगर आपको करना है तो, नहीं होगा तो फिर आई थिंक आप ऐसे भी, मतलब ऐसा मान लो कि लड़कों के 40-50 और लड़कियों के 100-150। एक और खर्चा होता है जो बहुत वेरिएबल होता है, जो कि होता है जैसे शॉपिंग का खर्चा, जैसे कि अगर आप कुछ नया खरीद रहे हो उसका खर्चा, घर में कुछ एडिशन कर रहे हो उसका खर्चा, घूमने जा रहे हो उसका खर्चा, तो उसका कितना रहता है? मतलब जब हम नए नए जाते मन तो करता है ना कि आज मैं ये वाला नेशनल पार्क एक्सप्लोर करूँ, आज मैं ये करूँ, तो कितना होता होगा लगभग टोटल और कितना खर्चा होगा इसका? डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंटली जा रहे हो, तो ऐसा लगा लो अगर तुमने टाइम पे फ्लाइट बुक कर दी तो $200 के आसपास रिटर्न फ्लाइट पड़ जाएगी पूरी, और एयरबीएनबी $50 पर नाइट के हिसाब से लगा लो, फिर पर ट्रिप तुम्हारा $200 फ्लाइट के, तीन दिन अगर तुम तीन नाइट स्टे कर रहे हो तो $150 उसके, और डिपेंड करता है एयरबीएनबी कितना बड़ा ले रहे हो। और क्या होता है मिस लेने इसमें प्रशांत? शॉपिंग कपड़े खरीदना। आई गेस मेरा खर्चा इसमें बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन मेरा खर्चा इंडिया से मैं कपड़े खरीदती हूँ तो मैं बच जाती हूँ, आप खरीदते हो यूएस से कपड़े? मैं दूसरे से मांग मांग के पहनता हूँ, ये भी किसी से मंगवाया, देखो तभी यहाँ पी लिखा हुआ है मेरा ये। तो या ऐसा ज्यादातर कपड़े ऐसे होते हैं, तो मैंने अभी तक कपड़े खरीदे नहीं इंडिया से आने के बाद, सबसे जिससे जो मतलब मेरे को ऐसा लग गया सड़क पे जा रहा है इंडियन बंदा है, अच्छे कपड़े पहन भाई दे दे, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया, ठीक है एक दिन खाना खाने आओ और नंगा वापस ले जाओ। आई गेस अगर आप मतलब टोटल में बोल रहा हूँ ये सब में भी आई गेस डिपेंड्स ऑन आप किस महीने चीजें खरीद रहे हो, किस महीने घूम रहे हो, तो प्रशांत ओवरऑल कितना रहेगा? $300 पर 200-300 अगर तुम बचा रहे हो तो जीरो भी हो सकता है। एक करोड़ की जो सैलरी होती है उसको यूएस में अराउंड 120-130 के बोलते हैं, जब उसका टैक्स कट जाता है तो उसके बाद कितना आता है हाथ में लगभग? तो $7,500 आपके हाथ पे आएगा, हाथ पे मतलब ऐसे हाथ पे नहीं बैंक पे आएगा, और फिर टैक्स हो गया कट गया, फिर रेंट हो गया $1,500 तो आपके हो गए $6,000 यहाँ पे, ठीक है। फिर एमिनिटीज
एमिनिटीज हो गई $200-$300, तो हो गए आपके $5,700 हो गए यहाँ पे। करेक्ट। फिर $500 गाड़ी का लगा लो और $500 ग्रोसरीज का लगा लो, इंश्योरेंस $4,700 हो गए। और इंश्योरेंस एक्चुअली सैलरी में से कट कटा के ही आता है, तो हाँ तो मैं वो इंश्योरेंस सैलरी से काट के बता रहा हूँ, $150 टाइप होता है, तो एक वो हो गया। तो आई गेस मोटा मोटा इतना ही होता है। एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ रहते हो। जो शैंक की जो रेंट बता रहे हैं और जो रेंट मैंने देखा उसमें बहुत डिफरेंस है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन से स्टेट में रह रहे हो। अगर आप टेक्सस में जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े घर मिल जाएंगे आई गेस इसी रेंट में, और अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में रहोगे तो आपको एक स्टूडियो भी नहीं मिलेगा अराउंड 2,500 to 3,000 में। तो जो मैं एवरेज बता रहा हूँ कि स्टेट्स में जो टेक्स स्टेट्स हैं उनमें ऑन एवरेज इतना अगर आपको मिल रहा है तो आपको इतना तक बचा पाओगे। ये मेरा एस्टिमेशन है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कम या ज़्यादा बचा पाते हैं तो आप लोग कमेंट में डालिए, बताइए कि शैंक द चैंप है, ये शैंक द चंपू है। लाइक करें, सिर्फ मुझे लाइक करें हमेशा की तरह, और मेरे लिए कमेंट करें। ठीक है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ व्लॉग। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ होती है, वो होती है पे पैरिटी। बाय द वे, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि US के जो खर्चे होते हैं वो बड़े अलग होते हैं इंडिया वाले खर्चे से। अगर आपके कितने बजे $4,000 लगभग, साढ़े चार हज़ार जो कि होता है इन इंडिया अराउंड ₹3 lakh लगभग, वो जो 3 lakh है ना वो इंडिया के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, US के हिसाब से भी ज़्यादा है। बट अगर आपको वही पैसा US में खर्च करना है तो उसके बहुत अंतर है। मतलब अगर आपको घर लेना है या फिर आपको रेंट देना है, वो सब कुछ US में बहुत एक्सपेंसिव है। बट आई गेस $3,000 और $4,000 इफ यू आर सेविंग, इट इज़ ग्रेट, इट इज़ अमेजिंग। मतलब टू बिगिन विद इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज। तो जो 1 crore की सैलरी दिखाते हैं वो बहुत अच्छी सैलरी होती है, बट जितना अच्छा दिखाते हैं उतना शायद नहीं होता। मतलब उसकी जो रियलिटी है, उसके खर्चे दिखाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ हाउ इट इज़। आपको मजा आया व्लॉग में आके? मेरे को बहुत मजा आया। आपको बहुत पब्लिसिटी मिल रही है, फ्री की लड़कियां लाइन में लगी है। मेरे को कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही, मेरी फ्लाइट है, आप लोग मेरे को इतना वेट करवा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर बताने आया हूँ। अपनी फ्लाइट पकड़ के सियाटल से मैंने वापस जाना है। तो बस अब वही ये वाला एक्सपेंडिचर ऐड किया था ना फ्लाइट वाला। जब इंडिया जाते हैं तो रिमेंबर करेंगे ना व्लॉगर्स। प्लीज ये मैं सिर्फ खाना पीना खिलाने में और घर में रखने में और मजे कराने में बिलीव करती हूँ। बट या अगर आपको व्लॉग पसंद आया, बिलीव करने से नहीं होता, मतलब करना पड़ता है। बिलीव तो क्या क्या करता हूँ मैं, बिलीव मैं करता हूँ डायनासोर भी होते हैं। मैंने कम से कम 5-6-10 आइटम चाहिए वो नए खिलाए। प्लीज आप प्लीज उस पर वो प्लीज, हाँ प्लीज कह रहे तो मदद कर देंगे हम आपकी। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सिर्फ मुझे लाइक करना जैसे मैंने पहले बताया। प्लीज शैंक द चैंप, शैंक द चंपू, कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। मैं बहुत मेहनत से करती हूँ एंड 150K करा दो यार, इट्स बीन रियली लॉन्ग। बाय।